नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग पे। तो भाई घर आए हैं तो आज हम खुद से कुकिंग करेंगे। आज कुछ क्योंकि जब खुद से पकाते हैं ना अकेले रह के तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सीखना तो बचपन से खा रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा बेसन का घोल लगा के, क्योंकि वहां मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छा बना था। बस ये पकाने वाले के ऊपर है कि फ्राई कैसे करता है, बाकी देखते हैं कैसा बनता है। अभी कौन खाएगा ब्रेड? तो भाई आज का ब्रेकफास्ट ये पूरा हुआ हमारा, बन गया है रेडी, और सबका रिव्यू लेंगे कैसा बनाया है। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट था, इसमें साइड साइड में बेसन का घोल हल्का सा लगाया गया है ताकि सैंडविच का लुक बहुत अच्छा है। और भाभी ने सेक दिए सारे सारे, मैंने भर दिए। चलो देखते हैं इसको खा के कैसा लगता है। तो भाई लड़की हमारी रेडी है नाश्ता करने के लिए। ये खाएगी सॉस के साथ खाएगी। मैंने सैंडविच बना दिए हैं और ये हम चखते हैं। पहले हम शिवांशी को खिलाएंगे ना, मजा आएगा। पहले शिवांशी को खिलाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। क्यों भाई? आ खाओ, कैसा लगा बताओ। यम्मी यम्मी है, मैं भी खाऊं फिर। तो भाई अपन भी खा के देखते हैं अपना सैंडविच कैसा बना है। आप भी खाओ छोटी के साथ। तुम भी खाओ भाई, गरम गरम चाय और ठंडी। वाओ चाय। तो भाई शिवांशी ने खा लिया, अब शिवाय की बारी है। शिवाय खाएगा सॉस में डुबा के, सॉस में डिप करेंगे एंड मुंह में सिप करेंगे। शिवांशी तेरी बारी। बल्ले 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 बल्ले, मजा आ रहा है? टेस्टी हो रहा है ना? तो नीचे बैठो, चलो नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ सबके साथ। रेडी? तो जो अच्छे से रोएगा उसको चाचू चिच्ची देंगे, जो अच्छे से रियल में रोके दिखाएगा। नहीं, मुझे मुझे चिच्चू चाहिए। हैं? चिच्चू। क्या चाहिए? चिच्चू। वो क्या होता है? चिप्चू। चिप्स चाहिए ना, चिप्स मिलेगा उसको जो अच्छे से रोके दिखाएगा। चलो रोके दिखाओ, चलो रोके दिखाओ। नहीं मजा नहीं आया, ऐसे थोड़ी रोते हैं। अच्छे से रोके दिखाओ, अच्छे से। शिवांशी रोके दिखाओ, ये तो हंस रही है, ये तो हंस रही है, रोक आ रही है। हंस, रोके दिखाओ, रोके रोके दिखाओ शिवाय। ये तो हंस रहा है, रोके दिखा। चल रोके दिखा। नहीं रोया। ये तो हंस रहा है, चलो रोके दिखाओ। रोते रोते हंस दे रही है। तो तुम मुझे कोई रोके नहीं दिखा पा रहा रे। मामा। ये रोया, ये रोया, 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 रोया। शिवांशी तू रोके दिखा। नहीं रोई, नहीं रोई, नहीं रोई, नहीं रोई, नहीं रोई, नहीं रोई, रोके दिखाओ। अब दोनों को चिप्स मिलेगा, दोनों को चिप्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है, डन।
तो भैया बात ऐसी है, अब खटी माँ के कुछ नहीं कर पा रहे थे भाई। सुबह नाश्ता बनाया, बच्चों के साथ खेला कूदा, घूमने कहेंगे जा रही थे। तो अब उसके एक दिन बाद, बच्चों के साथ खेलने के बाद में, एक दिन पूरा बिताने के बाद में, आज मेरे को टाइम मिला घूमने का। तो आज ऐसे तो मैं जंगल भी घूमने गया था, लेकिन मुझे एक हिरण दिखा बस, बारहसिंगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। लेकिन हाँ, जाऊँगा रात को घूमने के लिए, बेस्ट पॉसिबल अगर मौका मिला तो। लेकिन फिलहाल जो है, कभी हम एक ऐसी लोकेशन जा रहे हैं घूमने के लिए, जो कि वहीं जाके दिखाएंगे आपको लोकेशन। बड़ी शानदार लोकेशन है, मज़ा आएगा आपको, आप खुद बोलोगे कि यार ये जगह तो मतलब है, एक नेक्स्ट लेवल जगह है। तो भाई लोग, हम अपनी बूम टनकपुर रोड पे आ गए हैं, और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमको शीशे के पार भी जा सकते हैं हम, तो वो बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए भाई, ये है क्वालिटी। और हमारे साथ हैं वीकेंड थेरेपिस्ट मिस्टर मयंक जोशी। हाँ भैया, क्या प्लान है? प्लान बन चुका है, निकल चुके हैं हम लोग, बस दिखाएंगे जो है बताएंगे नहीं, जहाँ पहुंचेंगे वो दिखाएंगे जगह। हाँ, तो भाई घूमते घूमते पहुंच चुके हैं हम अपने बूम टनकपुर, टनकपुर का बूम जो पॉइंट है, जहाँ पे मंदिर भी है और अपना बढ़िया सा बीच वाला एरिया होता करता था एक ज़माने पे, लेकिन आज जैसा भी है, आज भी बहुत मॉडिफिकेशन हो गई यहाँ पे। और दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई, सामने पूरा नेपाल है, और ये हमारी शारदा नदी, और ये हमारा बूम का स्पॉट है। दिखा देता हूँ, आज बड़ी मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं पहले से। तो देखो, ये ऐसे पॉइंट बन गए हैं, ये ऊपर खड़े होने वाला बन गया है, यहाँ पे पहले नहीं था ऐसा, यहाँ पे खाली ऐसे बने हुए थे, अभी सब चीज़ों को पक्का कर दिया है, और नदी में पानी बड़ा तगड़ा रखा है। बढ़िया बढ़िया जगह बन गई भाई यहाँ पे तो। लेकिन ये कि हाँ, गिरा तो पानी के बहाव से टकराएगा, उसे पत्थरों में टकराएगा सीधे। और सामने ये कैंपिंग का सिस्टम भी बन गया है, सामने देखो ये टेंट वेंट लगा दिए यहाँ पे, बढ़िया अरेंजमेंट है रहने का। और देखो वहाँ पे बॉनफायर अरेंजमेंट होता होगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे कवर्ड वाले भी हैं, वैसे वाले भी हैं, रहने वाले भी हैं शायद, कमरे भी हैं। और नदी देखो कितनी बड़ी है, बहुत टाइम बाद मौका मिला यहाँ आने का, तो देखा भाई बहुत चेंजेस आ चुके हैं इस जगह पे, और पहले से काफ़ी मॉडिफाइड है। देखो ये पुराने बनाए हुए गिर चुके हैं पानी में, और नदी का जब प्रकोप आता है तो मतलब इनको गिरा देता है, तो फिर दोबारा लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, बट ये कि ये टिके हुए हैं अब तक, तो इनको पक्का कर दिया उस जगह पे। किसी ने सरकारी ठेका लिया होगा तो टूरिज्म का, तब उसको ये मौका मिल गया, उसने यहाँ सब कुछ बना लिया अपना। फिलहाल कुछ टाइम यहाँ बिताते हैं और फिर चलेंगे आगे। और दूसरी चीज़ देखो भाई, ये देखो, ये नेपाल का गाँव है जहाँ पे लोग रहते होंगे। अब हम सब जूम कर सकते हैं अपने कैमरे की बदौलत। तो भाई, अरे यार गाड़ी बंद होगी, देख लो यार, ये हालत है, ये तो हालत है, क्या ही करे। तो सौजन्य से हमारी उत्तराखंड सरकार, हमें मिनी लद्दाख मिला है यहाँ पे, जिसके हम मजे लुफ्त उठा रहे हैं, है भाई। ये सौजन्य से हमें उत्तराखंड सरकार ने हमें गिफ्ट दिया है भाई। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए, हमें मेगा फ्लाईओवर बनाना चाहिए, क्यों? अगर एक ऊंचा सा फ्लाईओवर बन जाए इसके ऊपर से, पुण्यनगरी इतना बड़ा तीर्थ स्थल है हमारा यार, कितनी बार रोड साफ करेंगे इस रोड को। अब तक तो यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाना चाहिए था, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना चाहिए था। बताओ, ये एक टाइम पे रोड ऊंची थी और ये मलबा नीचे था, आज मलबा ऊपर है और रोड नीचे आ गई है। लेकिन इस पे बस सफाई होती है और कुछ नहीं होता हर मौसम में। अगर इस पे एक फ्लाईओवर बन जाता तो मेरे ख्याल से अब तक हमारे तीर्थ यात्रा, जो कि पुण्यनगरी धाम, जो शक्ति पीठ है, वो कभी शायद परेशान नहीं होती इस वजह से। यहाँ आता है सबसे ज्यादा पानी, जो कि नीचे जाता है पूरा शारदा नदी में, यहाँ से देखो नीचे को, और ये आता है रोखड़ सामने से, देखो भयंकर रोखड़ आता है इसमें, इतना रोखड़ आ चुका है, देखो इतने बड़े बड़े पहाड़ बन गए रोखड़ के यहाँ पे इकट्ठा होके। तो छोटा सा लद्दाख हमें यहाँ मिला हुआ है, पहला लद्दाख ये काफी बड़ा था,
ऐसा नहीं है इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, इम्प्रूवमेंट भी हुई है, कुछ सड़कें बनी हैं सड़क, लेकिन ये मेन काम अभी भी अधूरा रह गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक तीर्थ स्थल भी है, शक्ति पीठ है भाई, छोटा मोटी छोटी मोटी जगह नहीं है। तो अभी आगे कुछ व्यूज आएंगे अच्छे अच्छे, वो दिखाते हैं सीधे आपको, क्योंकि क्या दिखाना आपको लद्दाख या लद्दाख सब गए हुए हैं। तो भाई रास्ता मतलब पीछे इतनी ऑफ रोडिंग छोड़ के आया हूँ मैं सोच रहा था नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब देखो भाई अगर रास्ता इतना खतरनाक हो गया हर जगह पे यहाँ पे, तो भाई गजब। ऊपर कैमरा। और इधर दिखाइयो जरा, यहाँ दिखाइयो, यहाँ सीधे गाड़ी सीधे खाई में। और ये देखो भाई अभी भी गाड़ी जा रही नीचे। ये तो भाई हम गाड़ी बढ़िया लेकर आए हैं ना, तो हम तो स्विफ्ट से ला ही ना पाते यहाँ पे भाई। आगे भी टूटा हुआ रास्ता कई जगह पे, ये तो भाई लगता है यही हो गया है। मैं खैर अब तो बारिश का मौसम नहीं है, वरना हम कभी ना जाते इसमें, क्यों नहीं तो अब तक तो लौट चुके होते पहले से। ऊपर दिखाना भाई, तू कहाँ दिखाया है कैमरा, नदी भी दिखा उधर, खतरनाक ही हो गया भाई ये तो। मैंने सोचा था नहीं दिखाऊंगा यार, ठीक है सड़कें नहीं बन रही कोई बात नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये तो भाई खतरनाक ही हो गया। यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने चाहिए भाई, नेपाल से ले लो रास्ता यार। ज्यादा हो रहा है तो, इतनी मक्खन सड़कती ना भाई, इतनी मक्खन सड़कती है, मक्खन से भी मक्खन सड़कती है। अभी आगे कहीं आएगी मक्खन सड़क तो दिखाऊंगा, लेकिन अभी इस टाइम पे करंट हालत तो इसकी ये है कि भाई हल्का फुल्का ड्राइवर ना चला पाए यहाँ पे। अब जंगल आ गया मेरे ख्याल से, अब शायद नहीं मिलेगा, अब आपको दिखेगी मक्खन रोड, जो रियल में क्रीम रोड थी ना वो आगे से आएगी शायद, लेकिन भाई बहुत रिस्की हो रखा है। काम चल रहा है वैसे, ऐसी बात नहीं है, काम तो चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं लोग करने की ठीक इसको। देखो यहाँ से भी ट्रक नीचे गए ना, ट्रक का रास्ता है, फिर बंद हो गई। ना भाई ये तो किसी का रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये लोग कैसे रह रहे हैं भाई ऐसी जगह पे, अब ये तो सेफ है ना, लेकिन फिर भी अरे सेफ जानवर से थोड़ी सेफ है। हाँ जानवर से सेफ नहीं है भाई, कैसे यहाँ तो हमने खुद देखा था, यहीं पे हमने यहाँ पे वो तो आगे देखा था, बहुत थोड़ा आगे था, लेकिन टाइगर तो इसी जगह पे है। हाँ उसकी ट्राइटी तो है ही, घूमता रहता ही है। अभी आगे कुत्ता घूम रहा है, टाइगर घूम रहा है, पता नहीं कहाँ पे, तो सामने पार्क कुत्ता हुआ, कुत्ता ही होगा क्योंकि SSB के सामने शेर कहाँ आएगा। हाँ बस एक आनी है, हमने शेर क्यों आएगा, लेकिन कुछ पार करके साइड गया, क्या था क्या फिर दिखाई गया है, चले गया भाई वो ऊपर, शेर ही था क्या, वो जानवर ही था फिर, कोई कुत्ता था रोड पे दिखता, पता नहीं यार, बंदर तो नहीं था, लंगूर हुआ यार, नहीं लंगूर टाइप का तो नहीं था, था हैवी हैवी लेपर टाइप में। लेकिन यहाँ जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है भाई तगड़ा वाला, जंगल और झाड़ियां इतनी उग चुकी है ना भाई, रोड ये डबल रोड थी अच्छी खासी, ऐसा लग रहा सिंगल रह गई रोड बस। और यहाँ सामने देखो पीछे पहाड़ भी हैं, और यहाँ पे लेपर्ड देखने चांसेस बड़े तगड़े हैं, लेपर्ड हाथी ऐसी चीजें यहाँ पे अटैक करती हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपने अड्डे पे, दशरथ दा के अड्डे पे, दशरथ दा के बाल उड़ चुके हैं, और इन्होंने बना रखा है देखो हमारे लिए, वो तेरा वाला है क्या, ये तेरा है क्या सही में, वो मेरा नहीं है, ऐसा कुछ है तेरा भी, ये पकौड़े बना लिए ना, ये पकौड़ी बनाई, वो भी जो है ना जैकेट है वो फ्रेश वाला जैकेट है, पतला तो गर्मी में बहुत चल रहा है।
और यहाँ बन रही है रोटियाँ। अच्छा 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 ठीक ठीक खाली खाली समझ गया। और ये मैं इनकी बनी है पकौड़ियाँ। तो गुड टू गो, बढ़िया ना सब है। वो भी है यहाँ भाई। कितने लोग आ रहे हैं? वो चार पांच लोग है ना? दो तीन ही होंगे। तो भाई चूका विलेज पहुंच चुके हैं हम लोग, जो कि हमारी डेस्टिनेशन थी। अब यहाँ देख रहे हैं कोई बढ़िया सी लोकेशन जहाँ बैठ के हमें कुछ टाइम अपने वीकेंड करें, भी एंजॉय करें। हैं कैसे? ऐसे वाओ। मैं नॉनवेज नहीं दिखाता भाई वीडियो में, मैं खाता नहीं हूँ नॉनवेज। तू खा भाई नॉनवेज। तो देखो भाई पहाड़ ही पहाड़ और बढ़िया सी सड़क, और देखो सामने नदी आ जाएगी थोड़ी बात, तब आएगा मजा। फिलहाल तो भाई आगे ब्लॉगिंग करते हैं नदी के पास। तो भाई आ गया, फिर से लद्दाख आ गया हमारा। छोटे छोटे पेजेस है हमारे लद्दाख के, मिनी लद्दाख के। तो इसी तरह का लद्दाख हमको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको कई फैसिलिटी मिलेगी लद्दाख की यहाँ पे, जैसे उबड़ खबड़ वाले पत्थर और बढ़िया बढ़िया टेरेन, जिसमें मजा ही आ जाए आपको आपकी गाड़ी चलाने में। अगर रास्ता साफ है तो हम आगे आगे भी जाएंगे। क्यों भाई जा ही रही है गाड़ी यार? ब्लॉगर ये रास्ता है क्या? ओए होए, ये देखो भाई साहब लोकेशन। रास्ता है? हाँ यही तो रास्ता है। मेरे को तो दिख नहीं रहा। यही है रास्ता। ओ वाओ, ये देखो देखो भाई। ओ बेटा क्या जब लोकेशन आ रही है, बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल लोकेशन आ गई है। काफी लोग यहाँ मस्ती मार रहे हैं। आ गया मतलब अब क्या लोग हैं इस लोकेशन में? देखा यहाँ लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, क्या लोग हैं मतलब। ये तो अलग ही लोकेशन बन गई भाई। देखो ये क्या मस्त एंजॉय कर रहे हैं बंदे यहाँ पे। ये देखो ये तो अलग ही बन गया कुछ, क्या शानदार। क्या ले लोगे? अरे गाड़ी जा रही है आराम से यार भाई, चले गई बुलानो बाजार से। देखिए मस्ती का पॉइंट तो यही लग रहा है, पहले यहाँ मस्ती करेंगे फिर आगे जाएंगे। हमें बहुत टाइम है, देखते हैं। हमें पूरी रात है तो वापस आते हैं एक बार, आगे चलते हैं। जाते जा रही गाड़ी फिर तो बहुत एक्सप्लोर हो जाएगा ना, एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक्सप्लोर वाला पार्ट कंप्लीट कर ले। ये देखो भाई नदी में पहुंच गए हम लोग। नदी के बीचों बीच गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी भाई। पत्थर देख रहे कितने बड़े, निकल जाएगी उसमें? हाँ आराम से निकल जाएगी। हाँ हाँ बीच वाले में? हाँ हाँ पक्का निकल जाएगी। इतनी हाइट तो है गाड़ी की, अब वो तुझे पता होना चाहिए। इसे पूछो यहीं से गई थी गाड़ी। अरे आराम से जा रही भाई, तो यहाँ खड़ी करूँ गाड़ी? कर दे है? हाँ कर दे, मजा आ जाएगा, बढ़िया सूट हो जाएगा। तो भाई देखो बहुत शानदार लोकेशन, पानी में चल रहे हैं। देखो ये हो रही है वीकेंड थेरेपी, इसको बोलते हैं वीकेंड थेरेपी। यहाँ आओ इस पानी में नहाओ, क्या मजा आएगा, शानदार। सब लोग यहाँ पानी में नहा रहे हैं, देखो सामने वो देखो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। अब यहाँ कुछ रील शूट करते हैं हम, तभी मजा आएगा। बाकी पानी देखो कितना खतरनाक हो रहा है। तो भाई रोखड़ को पार करते हैं आराम आराम से। तो गाड़ी हमारे पास टंकी है तो हम आराम से रोखड़ को पार कर पा रहे हैं।
और देखो भाई क्या मस्ती है भाई यहाँ की, अलग ही लेवल की। दिखाइए फोन जरा, ये देखो भाई बंदे क्या एंजॉय कर रहे हैं यार। देखो इनको देख के तो ना खाने का मन करा मेरा। ये देखो, ये देखो फुल मस्ती चल रही भाई। मैं चाहता ना, ये देखो भाई रोकड़ा सामने है, वो भी हंसा यार। रोहन, रोहन को बताया ना मैंने, रोहन और भी ये देखो ये पूरा रोकड़ बन रखा है यहाँ पे, और यहाँ सामने पुल टूटा हुआ आगे से, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ब्रिज गायब हो गया भाई यहाँ से, और रोड जो है नीचे से जा रही है, पानी नहीं है अभी, इसलिए दिखाता हूँ आपको ब्रिज कितना गायब हुआ है। आप देखो ब्रिज जरा कितना गायब हुआ है, ये देखो ऑलमोस्ट ब्रिज गायब हो रखा है। नदी लेके क्यों, भाई पूरा ही ब्रिज गायब कर दिया बीचों बीच, सपाट। क्या परले आई होगी इस जगह पे भाई, हैं? यहाँ से वहां से ब्रिज स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक पहुंचा है, और बीच से पूरा गायब कर दिया। और देखो कितने पत्थर आ रखे हैं यार, कितने पेड़ आ रखे हैं बहके, भयंकर यार गजब। तो ये देखिए ब्रिज का हाल, किस तरह से ब्रिज गायब हुआ बीचों बीच, मानना पड़ेगा यार नदी कुछ भी कर सकती है। पानी ऐसी पर ले जो कुछ भी कर सकती है भाई, नदी नहीं पानी, पानी ऐसी पर ले भाई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हम पार हुए हैं नीचे से, अभी आगे जाते हैं। परले आई ना, देखो ये परले ने ऐसा कर दिया काम, ये देखो यहाँ से रोड ही गायब हो गई थी, अभी दिख रही है हल्की सी रोड, बना आगे तो दिख नहीं रही मेरा कहाँ गई रोड। ये देखो भाई ये पूरा गिर गया पूरा, ये तो ठीक है गाड़ी जाने लायक हो गया है भाई। व्लॉगिंग करते करते कहाँ पहुँच गए और लोकेशन देखो भाई, लोकेशन ये सड़क है, और दिखाओ, दिखाता हूँ, ये देखो भाई वास्ट पूरा रोकड़ का एरिया, देखो कितना बड़ा बीच है वो सामने, बहुत बड़ा बीच है भाई, बहुत बड़ा। ये देखो, ये देखो, और नदी कितनी चौड़ी है यहाँ पे, मतलब सोचो पानी यहाँ तक कटते हुए आ रहा है, और वो देखो सामने नेपाल है पूरा, बहुत ही शानदार। और ये सूरज इतना चमक रहे हैं भाई, गजब, देख के लग कितना खतरनाक लग रहा है भाई, ये बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल भी है, उतना खतरनाक भी दिख रहा है। बहुत कहर ढाया इस बार प्रगति ने भाई, नेचर से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता भाई। जरा ये देखो यार, यहाँ पे तो खड़ा होना भी रिस्की है। ये देखो ये लैंडस्लाइड देखो, और ये देखो कहाँ तक जा रहा है नीचे तक, ये भाई खतरनाक लैंडस्लाइड। और ये देखो एरिया कितना शानदार है, मैं यहाँ चला हूँ और वहाँ नीचे पत्थर गिरने लग गया भाई, सिर्फ मेरे चलने की वजह से। तो ये आइटम भी कभी 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 भी गिर सकता है। रियल ब्यूटी ऑफ नेचर तो भाई यही है, इसके इससे बेस्ट तो कुछ दिखाई नहीं, मतलब एक साथ नेचर का प्रकोप प्लस साथ में नेचर की ब्यूटी। देखो ये है नेचर का प्रकोप, ये रोड वहाँ तक है, बस सीमेंट वाला एरिया हवा में लटका हुआ है, देख लो ये सीमेंट वाला एरिया, यहाँ से ये देखो हवा में लटका हुआ है, और नीचे देखो खाई पूरी नीचे तक, और वहीं कहीं जानवर घूमते हुए नजर आए। ये देखो ये क्या हो रहा है, और ये देखो नेचर की ब्यूटी पूरी, शानदार व्यू भाई शानदार। इसको भी देख लो, सूरज को देख लो, शानदार। ऐसा व्यू तो मुश्किल ही, ऑलमोस्ट। और ये नेचर का प्रकोप, खतरनाक प्रकोप, मतलब यहाँ खड़े में डर लग रहा है कि कब ये खिसक जाए जहाँ खड़ा हूँ मैं, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई ब्लॉग तो बहुत शानदार हो गया हमारा आज का, अब चलते हैं पानी की तरफ, वहीं बैठेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ये तो डेंजरस प्लेस है भाई, यहाँ रुकना ही बेवकूफ़ी है मेरे हाथ से तो। लेकिन व्यू देखो जहाँ चल रहा हूँ, देखो पीछे नदी का व्यू, क्या शानदार, बीच भी है, नदी भी है, सब कुछ है,
इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो पानी में चल के इंजॉय करते हैं भाई, ठीक है चलो। तो भाई बहुत शानदार व्यू है। पहले यहाँ पे ये रोका बहुत छोटा हुआ करता था, इतना छोटा कि मतलब समझो एक बार में गाड़ी मतलब शायद थोड़े से नहीं गाड़ी पार हो जाती थी। और आज के टाइम पे इतना बड़ा रोकड़ हो चुका है, यहाँ पे पानी पानी हो चुका है बेहि साहब, और लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल, मतलब मन तो नहाने का भी कर रहा है लेकिन शाम हो गई है, क्या करेंगे पानी में उठते, ये सोच रहे हो। कपड़े लेके भी नहीं आए, भीगे भीगे जाएंगे वापस, देखते हैं भाई क्या प्लान बनता है। मैं सोच रहा था मैं एक ने गाड़ी होना स्टार्ट भी कर दिया भाई, देखो सही है यार व्यू देखो भाई। वो भाई लोग वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, बढ़िया उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, यहाँ खाने पीने बैठने वाली व्यवस्था होगी बीच में, और लेफ्ट राइट टेंट लगे हुए हैं शानदार, और व्यू देखो बहुत शानदार। तो भाई प्लान ये बना मयंक का कि अब यहाँ पे मैं रोकर चलाऊंगा, तो देखो भाई मैं चला रहा यहाँ से रॉकेट। ओए हमारे ऊपर ही आएगा ही, ये तो यही फट गया है। नहीं जा पा रहे वो, हाँ हाँ तभी भागेगा। जाएगा जा तो चाहिए, हेलो।